फ्रेंड्स, जायकेदार रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंपल तरीके से चिल्ली गार्लिक पोटैटो। आइए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। ये मैंने चार आलू को छिलकर फ्रेंच फ्राइज की तरह काट कर ले ली हूँ और इसे धो दी हूँ। अभी हम इसको इस कपड़े में डाल देंगे। अभी हम आलू को इस कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे ताकि इसमें का पानी अच्छे से सूख जाए। देखिए, आलू अच्छे से सूख चुके हैं, इसका पानी अभी बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं इसको बाउल में ले लूँगी। अभी मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच मैदे का आटा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर। अभी हम इसको अच्छे से आलू में मिक्स करेंगे। देखिए, आलू में आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करते टाइम हमें आटे को अच्छे से झटक कर तेल में डालना है। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी हूँ, तेल डालकर। तेल गरम हो चुका है, अभी हम आलू को तल लेंगे। तेल हमारा एकदम गरम होना चाहिए, ठंडा तेल बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें आलू को अच्छे से फ्राई करना है कुरकुरा होने तक के, और आलू भी हमारे अच्छे से पकना चाहिए। देखिए, आलू अच्छे से गल चुके हैं और अच्छे कुरकुरे भी हो चुके हैं। ये देखिए, अभी हम इसको प्लेट पे निकालेंगे। दूसरी बार भी हम आलू फ्राई करेंगे और हमारा तेल एकदम ज़्यादा ही गर्म होना चाहिए। ये आलू भी फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे भी प्लेट में निकालेंगे। अभी मैंने दूसरी कढ़ाई गैस पे रख दी हूँ, उसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल, आधा चम्मच अदरक, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप की हूँ। 1 चम्मच लहसुन, उसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप की हूँ, लहसुन हमें ज़्यादा डालना है। 1 चम्मच हरी मिर्ची, उसको भी मैंने बारीक चॉप की हूँ। अभी हम इसको 1-2 मिनट तक के भुनेंगे। एक दो मिनट भुनने के बाद में ये मैंने शिमला मिर्ची 1 ली हूँ और उसको बारीक काटी हूँ, और 1 प्याज है उसको भी मैंने बारीक काट दी हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे। इसको भी हम 2 मिनट तक के भुनेंगे। दो मिनट भुनने के बाद में हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के हिसाब से, 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, 1/2 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस। अब इन सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में हम इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए आलू और डालेंगे 3 चम्मच टमाटो सॉस। अब इन सारी चीज़ को हम मिक्स करेंगे। हमें गैस फास्ट करके ही मिक्स करना है। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अभी मैं गैस को बंद कर दूंगी। माशाल्लाह, चिल्ली गार्लिक पोटैटो बनकर तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना चिल्ली गार्लिक पोटैटो कैसे बने। अल्लाह हाफिज़।